तीसरे चरण के मतदान से पहले सियासी बयानबाजी में पाकिस्तान शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। हमले में एक जवान ने शहादत दी, चार जवान घायल हुए और इस आतंकी हमले पर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेता आतंकी घटना को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से वो खुद तो घिरे ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमले को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने कह दिया कि चुनाव आने पर सरकार ऐसे स्टंट कराती है। ऐसा ही एक बयान बिहार से भी आया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि सरकार के कारण ये जवान शहीद हो रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को बीजेपी ने सेना से जोड़ दिया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। शनिवार को पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। एक दिन बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे स्टंट बता दिया। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी जैसा ही एक बयान आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी दिया। चुनाव आता है तो मोदी जी अभिनंदन करवाते हैं, वही जो हुए ये सब किसके वजह से हुए, मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहां कोई शहीद। आतंकवादी हमलों पर सवाल पूछना ठीक है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी और तेज प्रताप यादव ने जो कहा वो उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने इसे सेना से जोड़कर विपक्ष पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमेट्स के साथ रहते हैं। चन्नी के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है। कि इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 2020 से जब जब कश्मीर में हमारे जांबाजों की शहादत हुई संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोला, वो शायद अब बोलेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब की जालंधर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनके इस बयान को बीजेपी नेता खालिस्तान से जोड़ रहे हैं। आज जो ये सवाल उठा रहे हैं चन्नी जी के जो बयान आए हैं साहब, ये चन्नी जी नहीं बोल रहे, ये चन्नी जी के अंदर ये 7-8 महीने कनाडा में जो रह गए हैं मिस्टर ट्रूडो, ये उनकी बोली बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते, आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सेना पर हुए आतंकी हमलों को लेकर पूछे गए सवालों में घिरी हो। पिछले साल जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फरवरी 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले को लेकर इसी तरह का बयान दिया था। दिग्विजय ने कहा था पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, सरकार इसका खुलासा नहीं कर पाई, आखिरी आरडीएक्स आया कहां से। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले पर राजनीतिक वाद विवाद के बीच आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल 2 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े स्तर पर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। चुनाव प्रचार के शोर के बीच पाकिस्तान शब्द की गूंज महाराष्ट्र में भी सुनाई दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो अब कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता से भी पूछे जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। चुनाव 2024 का है लेकिन कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने 16 साल पहले हुए मुंबई आतंकी हमले के कुछ पन्ने पलट दिए। बंद करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे, आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोहांना पाठीशी घालणार
घालणारा पक्ष आहे का हा प्रश्न येतो। विजय वडेट्टीवार ने शहीद हेमंत करकरे और अजमल कसाब का नाम लेकर इस केस में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम पर गंभीर आरोप लगाए। उज्जवल निकम मुंबई उत्तर मध्य सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आरोप लगे तो निकम ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कांग्रेस पर पलटवार किया। पाकिस्तान ने अब तक ये नकारा नहीं, पाकिस्तान ने बोला हाँ सच ऐसी घटना हुई है, लेकिन ये हमारे कांग्रेस के विपक्ष नेता जैसा मेरा कैंडिडेचर बीजेपी ने अनाउंस कर दिया तो इनको मिर्ची लग गई और इन्होंने अब तक इन्होंने आरोप ही कभी लगाए नहीं, लेकिन पहली बार इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा दिए। इसका मतलब उन शहादत की आप अब इंसल्ट कर रहे हैं। उज्जवल निकम ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में उस घटनाक्रम के बारे में भी बताया जब तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे आतंकियों की फायरिंग में शहीद हुए थे। अजमल कसाब ने अपने इकबाली बयान में कह दिया था, जो प्रूव हो गया है, कि जैसे कामा हॉस्पिटल के बाहर मैं और अबू इस्माइल आ गए तो एक पुलिस जीप आ रही थी, हमने फायरिंग ओपन कर दी, उन्होंने भी फायरिंग की, मेरे हाथ को इंजुरी लगी जिसका मेडिकल एविडेंस हमारे पास है, और फिर गोलीबार हुआ और मैंने जब देखा हमने गोलीबार के बाद तो पुलिस ऑफिसर की जो जीप थी उससे फायरिंग बंद हो गया। हम गए अंदर जीप के अंदर, वहां 3 बड़े पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी थी, हमने वो डेड बॉडी उठा के पीछे डाल दी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने उज्जवल निकम पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असली देशद्रोही उज्जवल निकम है और ये देशद्रोह का सवाल है। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। जो पाकिस्तान चाहती है वही बात कांग्रेस कह रही है, ये बात का स्पष्टता कांग्रेस दे। विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, इसलिए उनके बयान से बीजेपी को बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेता ऐसे बयान देकर आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, साथ ही शहीदों का अपमान भी कर रहे हैं।